मांझी में हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से वर्षों पूर्व बिहार सरकार द्वारा मांझी में स्थापित बहु प्रशिक्षित पंप नहर योजना से स्थानीय किसानों का सपना ही बनकर रह गया। पूर्व मंत्री गौतम सिंह के प्रयास से बिहार की 3 परियोजनाओं में शामिल पंप नहर को सारण के मांझी के ताजपुर में स्थापित कर दिया गया। साथ ही साथ पाइपलाइन भी बिछा दी गई। बावजूद इसके बिजली के अभाव में पंप वर्षों तक बंद पड़ा रहा। पुनः पूर्व मंत्री के प्रयास से एकमा विद्युत केंद्र द्वारा परियोजना का विद्युत कनेक्शन भी कर दिया गया। साथ साथ पंप नहर चालू भी कर दिया गया, लेकिन विभागीय दूरदर्शिता के कारण बिछाई गई पाइपलाइन पानी का भार व वेग झेल नहीं सका। जगह जगह धाराशाही हो गया। किसानों का सपना सपना ही रह गया। लगभग 25 करोड़ की लागत से स्थापित पंप नहर परियोजना से लाखों एकड़ कृषि योग्य भूमि को सिंचित किया जा सकता है। इस पंप नहर में 5 बड़े मोटर लगाए गए, जिनमें 4 मोटर को साथ साथ चलाया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया, पाइप ध्वस्त होने के बाद जोर शोर से पाइप का रिपेयरिंग भी किया गया, मगर सरकार की उदासीनता के कारण पंप को चालू नहीं किया जा रहा। आपको बता दें, उक्त पंप के चालू होने के बाद मांझी एकमा में संचालित गंडक नहर परियोजना से जुड़ी सभी किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। क्या नाम है सर? अजय कुमार सिंह। ये जो पंप नहर जो बना है, इस संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए। पंप नहर जिस उद्देश्य से बना था, उस उद्देश्य में सफल नहीं था। इसका उद्देश्य था कि यहाँ माझी प्रखंड और एकमा प्रखंड के लोगों को हरियाणा बनाने के विषय में सोचा गया था कि यहाँ पानी हमेशा उपलब्ध रहेगा। लेकिन जब ये बना, कुछ ही दिन चला, उसके बाद लाभ हुआ नहीं। उसके बाद ये पंप टोटल ध्वस्त हो गया। जहाँ का पाइप टूट गया, जो नहर बना उतना ऊपर गया, जिससे पानी का बहाव, पानी जो है वो जहाँ जाना चाहिए जा नहीं पाया। इसके बाद लोग यहाँ कहाँ पंप नहर को रुचि कर दिए, उसके बाद पंप नहर बंद हो गया। उसको ढक करके लोग भवन भी बना रहा है। हाँ, क्या इस पर क्या कहना है? ढक करके हॉल बना रहा है, उसको ढक करके लोग उस पर घर बनाया। ऐसे भी बात है कि अब विकास साबित हो रहा है। इसलिए चलते लोग क्या करें, उसको ढक कर जितना जो बांध के किनारे है उसको लोग घर भी बना दिए। उपयोगी साबित नहीं हो रहा। लगभग कितने की लागत से बना होगा? हमको तो करोड़ करीब 80-50 करोड़ की लागत। ओके साहब, बताइए कि उसमें अभी कोई तरफ कार्य वगैरह है कि नहीं? अभी आई तो हूँ, देखे नहीं वहाँ कोई कर्मचारी भी काम करता है। इसलिए वहाँ पर लोग बाहर स्वीपर झाड़ू बालने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पर जितना मछुआरे हैं वही अपना अड्डा बनाए हुए, वहीं वहाँ पर रहते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे वही लोग अपना आसन जमा हुए रहते हैं। वैसे वहाँ कोई कर्मचारी है नहीं, आज तक पता ही नहीं चला कि वहाँ कोई कर्मचारी भी है। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स। हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।